बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है, माहिरीन फलकियात ने अभी अभी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईद उल फितर की अचानक तारीख तब्दील कर दी गई है। चाँद की पैदाइश मुमकिन सूरत हाल और वक्त से पहले पेश गोई कर दी गई है। सऊदी अरब, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुबई में ईद उल फितर की तारीख फाइनल ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे काबिल मैं आपको बताऊँ मुकम्मल तफसीलात, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बरए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ताज़ा तरीन अपडेट से वक्त पर आगा रह सकें। और तमाम मुसलमान, जो बंदा मुसलमान है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, माहिरीन फलकियात ने आगाह किया है कि 20 अप्रैल 2023 शाम 6:50 पर चाँद की पैदाइश मुमकिन है। 20 अप्रैल 2023 शाम 6:50 पर शिवाल का चांद नज़र आने के इम्कानात हैं। 80% इम्कानात बताए जा रहे हैं और चांद नज़र आने के इम्कानात वाज़ हैं। सऊदी अरब, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया में एक ही दिन और एक ही तारीख को ईद उल फितर मनाई जाएगी। जी दोस्तों, इस साल माह रमज़ान के टोटल 29 रोज़े होंगे और 21 अप्रैल को ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी जाएगी पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। 29 रोज़े पूरी दुनिया में होंगे और एक साथ ही ईद उल फितर की अदायगी कर दी जाएगी।